नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इंतजार सभी को इस वक्त है मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं, जो मतदान हुए हैं, कि आखिरकार इन उपचुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि 5 दिसंबर की सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चली थी, लेकिन उस बीच यहाँ पर सपा की तरफ से बीजेपी पर यही आरोप लगाए गए कि ईवीएम में धांधली देखने को मिली है। कभी ईवीएम में गड़बड़ हुई तो कभी ईवीएम खराब होती हुई नजर आई, जिससे कि मतदान की प्रक्रिया रुक गई थी। फिलहाल देखा जाए तो चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की लगातार समाजवादी पार्टी अपील कर रही है। अब देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। दावा यह किया जा रहा है कि कल यानी कि 8 दिसंबर की देर रात तक फैसले आ सकते हैं और तब मालूम पड़ेगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी। सपा प्रत्याशी यानी कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की, बड़ी बहू डिंपल यादव की, या फिर यहां पर रघुराज सिंह शाक्य जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। रघुराज सिंह शाक्य एक वक्त सपा और प्रसपा का हिस्सा रहे, लेकिन आज वह बीजेपी में है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर जीत तो दूर की बात है। फिलहाल देखा जाए तो जीत का दावा लगातार यहां पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। यहां पर बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बेशक साल 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार यहां पर कमल ही खिलेगा। जी हाँ, साल 1996 से लेकर अब तक मुलायम सिंह यादव जी इस सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आए। उनके नेतृत्व में कईयों ने यहाँ पर चुनाव जीते, जैसे कि धर्मेंद्र यादव, बलराम सिंह यादव, तेज प्रताप सिंह यादव। अब यही देखना दिलचस्प है कि उनकी बहू डिंपल यादव जीत हासिल कर पाएंगी या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक बेहद बड़ी खबर ये सामने आई है कि बीजेपी यहाँ पर जीत के लिए जश्न की तैयारी भी कर चुकी है। यहाँ पर देखा जाए तो मिठाइयों के लिए ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। जश्न कहाँ पर मनाया जाएगा ये भी तय हो चुका है। ये तमाम यहां पर खबरें सामने आ चुकी हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो साफ तौर पर यहां पर जीत हो चुकी है, कमल खिलता हुआ नजर आएगा। रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे करहल और मैनपुरी सीएम योगी आदित्यनाथ। तो क्या वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ की उन दोनों ही हुंकार से यहां पर समाजवादी पार्टी हारती हुई नजर आएगी, बीजेपी को जीत मिलेगी? क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर यह दावा रहा कि नेताजी के सम्मान में कभी चुनाव प्रचार नहीं किया था, लेकिन अब इस सीट पर कमल ही खिलेगा। मैनपुरी के मुलायम या फिर मुलायम की मैनपुरी, ये कहावत कही जाती थी, लेकिन अब नेताजी हमारे बीच नहीं है। और इस तरह से देखा जाए तो भाजपाइयों ने अब यहाँ पर जश्न की तैयारी करना शुरू कर दिया। देखना यही दिलचस्प होगा, क्या यहाँ पर बीजेपी वाकई में सेंधमारी करने में कामयाब हो चुकी है? क्योंकि ईवीएम को लेकर डिंपल यादव, अखिलेश यादव से लेकर यादव कुनवे के सभी सदस्यों ने और सपा पार्टी ने यहां पर अब आरोप लगाए हैं। देखना होगा कि 8 दिसंबर को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।